नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों आज हम लोग टॉप 500 क्वेश्चन झारखंड करंट अफेयर्स का सीरीज पांचवा कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 सीरीज तक दे दिया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने पिछले चारों वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर जाकर वहां देखिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज हम लोग पांचवा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 2 दिन मैंने दिया नहीं था आपको वीडियो, तो इसलिए मैंने इस सीरीज में कुल 50 क्वेश्चन कलेक्ट किया है। तो आज हम लोग उन 50 क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में राज्य के किस संस्थान में जनजातीय अखाड़ा का आयोजन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य सरकार ने मीठी क्रांति नामक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया? कुल 12,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेद व्यास योजना के तहत कितने परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा? तो वेद व्यास योजना के तहत कुल 2735 परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। रघुवर दास अब तक कितनी बार झारखंड राज्य का बजट प्रस्तुत कर चुके हैं? अब तक 8 बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुल बात की गई है, ना कि परसेंटेज में बात की गई है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम में फैला हुआ है वन आच्छादन। छठा नंबर, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को कितने रुपये की सहायता प्रतिवर्ष दी जाएगी? 5,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 का। सातवां नंबर क्वेश्चन, झारखंड का पहला बंदरगाह किस जिला में है? साहिबगंज। आठवां नंबर, झारखंड के पहले बंदरगाह का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नौवां नंबर, कारोबारी पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष पूरी होने के बाद कितने रुपये का पेंशन दिया जाएगा? 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। दसवां नंबर क्वेश्चन है, 23 अगस्त 2019 को झारखंड के कितने वन्य जीव अभयारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था? 11। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 का। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक वन, यहाँ पे ये वन कट गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो लातेहार जिला है। अभी हमने बात किया था सर्वाधिक वन आच्छादित वेस्ट सिंहभूम, और 1% अगर पूछा जाए आपसे तो लातेहार जिला हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर, 5 जून 2019 को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर नीति आयोग की टीम पहुंची, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजीव कुमार ने। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री आजीविका संवर्धन योजना किससे संबंधित है? पुरुष स्वयं सहायता समूह से। 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कितने पंचायतों को 100% साक्षर घोषित किया गया? 100% साक्षर पंचायत घोषित किया गया, 496 पंचायत। 15 नंबर, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया है? 7,230 विद्यार्थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के कितने प्रखंड में आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान की गई है? तो यह हो जाएगा 263। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 84,800 छात्राओं को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी? 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी उनको। 17 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, रांची में ब्राउन फील्ड स्किल सेंटर की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही है? ITE सिंगापुर। 19 नंबर, राज्य में कितने सक्षम झारखंड कौशल विकास केंद्र विकास योजना के अंतर्गत कितने प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत है? देखिए, झारखंड कौशल विकास योजना, ये जो योजना है झारखंड कौशल विकास योजना, इसके तहत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, प्रशिक्षण केंद्र,
ठीक है, तो सारे जिले में लगभग लगभग केंद्र स्थापित कर किए जा रहे हैं मल्टीपल्स। तो इसमें ये पूछा गया कि कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो ये कुल 60 केंद्र स्थापित किए गए हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य के कितने लोग लाभान्वित होंगे? 57 लाख। 21 नंबर, राज्य में कितने सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कार्यरत हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी और इसका आंसर हो जाएगा 57 लाख। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य के कितने अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं? 569 अस्पताल। 24 नंबर, मुख्यमंत्री आरोग्य कुंजी योजना के अंतर्गत कितने सहिया को एक आरोग्य कुंजी उपलब्ध कराया जाएगा? 40,000। ये मैंने मुख्यमंत्री आरोग्य कुंजी जो सहिया सहिया आरोग्य कुंजी योजना थी, मुख्यमंत्री आरोग्य कुंजी योजना, सहिया योजना भी इसे कहते हैं, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, इसको एक्सप्लेन किया था कि सहिया होता क्या है, सहिया योजना क्या है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो आपको अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट आप उस वीडियो को देख लीजिए, मेरे प्ले लिस्ट में जाके, योजना वाले प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको सहिया योजना आपको मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जा रही है? रांची। 26 नंबर, झारखंड में 2018-19 में कितनी मीट्रिक टन तसर रेशम का उत्पादन किया गया? 1076.79 मीट्रिक टन। 27 नंबर, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन एवं बाल विवाह की कुप्रथा का अंत हेतु झारखंड में कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना। 28 नंबर, ये जो सुकन्या योजना है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, योजना सेक्शन में आप देख सकते हैं। राज्य के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले पेंशन की राशि को 600 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1,000 कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आश्रम विद्यालयों को का संचालन किया जा रहा है? 11। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई थी? खूंटी जिले से। 31 नंबर, झारखंड में अटल स्मृति वेंडर मार्केट का निर्माण कहाँ किया गया है? रांची जिले में किया गया है, कचहरी में। 32 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में अमृत योजना के अंतर्गत कितने शहरों का चयन किया गया? कुल 7 शहरों का चयन किया गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, हेमंत सोरेन सरकार द्वारा निम्न में से किसे मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? विनय चौबे को नियुक्त किया गया है प्रधान सचिव। 34 नंबर, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के बाद गठित 5वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर निम्न में से कौन है? स्टीफन मरांडी थे प्रोटेम स्पीकर। 35 नंबर क्वेश्चन, हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने, वे 11वें मुख्यमंत्री थे। 36 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा जारी सूचकांक 2019 में झारखंड को केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक, ये ध्यान रखिएगा, सुशासन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। 37 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2019 में वाणिज्य और उद्योग की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ झारखंड को। देखिए, सुशासन सूचकांक इसके अंदर में वाणिज्य वाणिज्य और उद्योग, वाणिज्य और उद्योग श्रेणी में झारखंड को प्रथम स्थान मिला, जबकि सुशासन सूचकांक 2019 में झारखंड को अंतिम स्थान मिला।
और स्पेशल कैटेगरी वाणिज्य और उद्योग में प्रथम स्थान मिला। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? अनंत विजय सिंह को। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं। झारखंड पुलिस द्वारा आम जनता को बिना थाना गए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा पोर्टल की शुरुआत की गई है? समाधान पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर, झारखंड के किस स्थान पर अक्टूबर 2019 में 59वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? खेलगांव रांची में। 41 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में आयोजित 59वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्न में से किसे सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ? ऑप्शन है हरियाणा, रेलवे, सेवा या झारखंड। आंसर है रेलवे। रेलवे ने इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो 59वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, उसमें रेलवे ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किया। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2019 में झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान पहली बार रेल सेवा से जुड़ा? पोड़ैया हाट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 42 का। चलिए 43 नंबर देखते हैं। किस तिथि को झारखंड में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस तरह आंसर हो जाएगा 43 का, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर देखते हैं। सितंबर 2019 में झारखंड के किस जिले में बांस कारीगर मेला का आयोजन किया गया था? दुमका जिले में किया गया था, तो 44 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सितंबर 2019 में आयोजित JSCA चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु निम्न में से कौन निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर नफीस अख्तर। 46 नंबर देखते हैं। 24 सितंबर 2019 को लोको बोदरा की 100वीं जयंती मनाई गई। इनको किस लिपि का जनक माना जाता है? देखिए, बरांग छिति का लिपि का जनक माना जाता है लोको बोदरा को। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोको बोदरा जो है बरांग छिति लिपि के जनक माने जाते हैं। इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। 47 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में निवर्तमान मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सितंबर 2019 में 132/33 केवी ग्रिड का उद्घाटन किया था? सिमडेगा जिले में किया था, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर, हाल ही में आयोजित झारखंड विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि निम्न में से कौन थे? रामनाथ कोविंद। 49 नंबर क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2019 को रांची के किस भवन या स्थान का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्मृति उद्यान करने की घोषणा की गई? आडरे हाउस, ऑप्शन नंबर ए। आडरे हाउस रांची में है, ठीक है। 50 नंबर, पिछले दिनों में निम्न में से कौन सा एक अभियान या त्योहार झारखंड में आयोजित किया गया था? स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, आयुष्मान भारत पखवाड़ा, हर घर पोषण त्योहार। ये तीनों ही जो अभियान या त्योहार बोलिए, ये तीनों ही झारखंड में आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये दोस्तों 5th पार्ट जो है कंप्लीट होता है, ये 5वां पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको पसंद अगर वीडियो आ जाए तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर इसे शेयर करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।